अब बात करते हैं टाइगर हिल की, उस सबसे कठिन लड़ाई की। द्रास में जो टाइगर हिल है उस पर पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से जमी हुई बैठी थी। 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को आदेश हुआ कि वो वहां से पाकिस्तान को खदेड़ दे। योगेंद्र यादव सिर्फ 19 साल के थे उस समय जब उन्होंने टाइगर हिल की इस लड़ाई पर चढ़ना शुरू किया। इस लड़ाई में एक तरफ से 8वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट, दूसरी तरफ से ग्रेनेडियर्स की पलटन, ये ऊपर बढ़े जा रहे थे। दुश्मन तेजी से फायरिंग कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने न केवल टाइगर हिल को जीता, सबसे ऊपर भारत का परचम लहराया और पाकिस्तान ने जो 3 काउंटर अटैक किए उनको भी विफल कर दिया। परमवीर सुबेदार योगेंद्र यादव की कहानी। करगिल, दुश्मन को घर से भगाना था। हिंदुस्तानी फौज पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी और हरकत में आ चुका था 18th ग्रेनेडियर का ये बहादुर योद्धा योगेंद्र सिंह यादव। लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि योगेंद्र वीरता की वो कहानी लिखने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। वो बनने वाला था हिंदुस्तान का परमवीर। नई नई शादी हुई थी योगेंद्र की, लेकिन छुट्टियां खत्म कर जैसे ही वो अपनी पलटन पहुंचे, सामने आ गया जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। ये परीक्षा थी वीरता की और देशभक्ति की। यूनिट के साथ उन्हें भी द्रास सेक्टर पहुंचने का ऑर्डर मिला। गांव से आए, शादी करके आए, तो एकदम थोड़ा सा माहौल दूसरा था। यहाँ आए तो माहौल एकदम अलग थलग। जब अपने साथी की लाश को देखा तो एकदम बदले की भावना आई कि आज हमारा साथी इन्होंने मार दिया है, तो हमें भी जो है इनका बदला लेना। साथी की शहादत ने दिल में भड़काया देशभक्ति का शोला। वीर योगेंद्र निकल पड़ा अपने मिशन पर। ये मिशन था तोतलिंग की चोटी पर कब्जे का, जहां दुश्मन सेना काबिज हो चुकी थी। मंजिल आसान नहीं थी। सामने ऐसी पहाड़ी थी जिस पर इंच इंच ऊपर चढ़ना मुश्किल था। चोटी पर जमा दुश्मन लगातार गोलियों की बौछार कर रहा था, लेकिन दूसरे फौजियों की तरह योगेंद्र और उसके साथी मोर्चे पर डटे रहे, जान की परवाह किए बगैर अपने देश के लिए लड़ते रहे। आखिरकार मंजिल मिल गई, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 20 से ज्यादा ऑफिसर और 50 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। एक ऑपरेशन में भारतीय फौज का देश के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बलिदान था, लेकिन किस्मत ने बहादुर योगेंद्र का साथ दिया। योगेंद्र की 18 ग्रेनेडियर का अगला मिशन था टाइगर हिल, करगिल सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी। इस पर कई पोस्ट थे जिस पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। टाइगर हिल पर कब्जा भारत के लिए इसलिए सबसे अहम था क्योंकि इस पहाड़ी पर बने पोस्ट से श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे के तकरीबन 25 किलोमीटर के हिस्से पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। दुश्मन की नजर से बचकर पहाड़ी की चढ़ाई कर अपनी पोस्ट वापस हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन सा था। 2 जुलाई का दिन हमले का दिन मुकर्रर हुआ। 2 जुलाई को हम शाम को अटैक हमले के लिए चलती है, तो घातक प्लाटून्स को
टाइगर हिल टॉप के पीछे की तरफ से जाकर के, जिधर से दुश्मन को ये अंदाजा भी ना हो कि यहाँ से भी इंडियन आर्मी आ सकती है, वहां से जाकर के हमला करना था, बिल्कुल खड़ी चट्टान। किसी भी हाल में अपनी जमीन वापस लेने की जद्दोजहद जारी थी। 18 ग्रेनेडियर के साथ साथ 8 सिख, 17 जाट और 18 गढ़वाल के जांबाज सिपाही भी इस काम में लगे हुए थे। लेकिन मुश्किलें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप खुद ही सुनिए योगेंद्र की जुबानी। मैं चलते चलते पूरी पैंट फट चुकी थी पीछे से, तो पर्स रखा हुआ था यहाँ पर। पर्स में कुदरती तौर पर जो है गिलट के 5-5 रुपए के कई सिक्के थे। जब उसने गोली मारी तो वो सिक्के पे लगी तो रिकोचिट होगी गोली, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मर गया। लेकिन अगले पल जब उसका दूसरा जवान बंदा साथी जो हमारे साथ पास आया वेपन उठाने के लिए, उसने मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा, तो मेरी एकदम आंखें खुली ऐसे जैसे नींद से जगा हो। अंदर से एक आया कि अब यार अभी तक नहीं मरा था, मरेगा भी नहीं। मैंने अपना एक ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे थूक दिया। कितनी कठिन थी टाइगर हिल की चढ़ाई, लेकिन असली आफत टूटनी अभी बाकी थी। टाइगर हिल के टॉप पर पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्त हमला किया। लेकिन जिंदगी योगेंद्र पर मेहरबान थी। जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से एक छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। बोला बेटा इस नाले से लुढ़क जा, ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। मैं नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। जब लुढ़कता लुढ़कता जब काफी नीचे पहुंचा था नाले के अंदर एकदम गड्ढा, मैं एक हाथ से पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। तो मेरा तब एकदम देखा गया तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। मैंने नीचे की तरफ अपनी निगाह घुमाई तो लगा जो अपने साथी थे वापस विड्रॉल होकर के MMG पोस्ट की तरफ जा रहे थे। लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तानी सैनिक हिंदुस्तान के अगले पोस्ट को तबाह करने के लिए निकल चुके थे। उन्हें रोकना था, नीचे के पोस्ट को हमले की जानकारी देनी थी। योगेंद्र आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारने की ठान चुके थे। भारतीय फौज सतर्क हो चुकी थी। आगे बिना किसी की शहादत के सभी दुश्मनों को मार गिराया गया। टाइगर हिल पर भारत का झंडा लहरा चुका था। इस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।